हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार के बारे में कि हम अपने प्रीमियर प्रो में हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो इसको डिजाइन करने के लिए हमको क्या करना है, हमको देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि हम जो है इसको क्लियरली देख पाएँ कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। सो बैकग्राउंड इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे जाना है न्यू में और यहाँ पे एक कलर मेटे जो है इंसर्ट कर लेना है। सो यहाँ पे आप उसका साइज जो है चूज कर लीजिए, जो भी आप जिस भी कलर का कलर मैटे चाहिए। लाइक मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे बीजी कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड ये स्टैंड करे फॉर बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड इंसर्ट करने के बाद में हमको क्या करना है, हमको अपना जो है बार इंसर्ट करना है। तो बार इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे एक रिटेंगल टूल ले लेते हैं और अपने बार को यहाँ पे जितना भी बड़ा हमको बार चाहिए हम उसको इंसर्ट कर लेते हैं। सो इसको इंसर्ट करने के बाद में क्या करना है, हमको यहाँ पे जाना है एसेंशियल ग्राफिक्स में। एसेंशियल ग्राफिक्स में जाने के बाद में एडिट में जाएंगे तो हमको उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखेंगी। अपना कलर चूज कर लेना है, जो भी कलर आपको चाहिए। लाइक मैं बार का कलर थोड़ा सा इसका डार्क कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। आप कोई भी अपना कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद में इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन कर देता हूँ। तो ये जो है कुछ इस तरीके से अब हमको नज़र आएगा। सो इसको यहाँ पे देखिए, इसकी प्लेसिंग करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी पूरा क्लिप के ऊपर आ गया है। अब हमको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमको एक इफेक्ट यहाँ पे यूज करना है, उसका नाम है क्रोप। ये देखिए क्रोप इफेक्ट मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। सो इसमें करना क्या है, हमको बार को एनिमेट करने के लिए हमको बिगिनिंग में देखिए मैंने एक यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लिया है और इसको ऐड करने के बाद में मैं इसको 100% कर देता हूँ। उसके बाद में जहाँ तक हमको बार को यूज करना है हम वहाँ पे जाएंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे और मैं उसको यहाँ पे 0% कर देता हूँ। सो इसको ये करने के बाद में क्या होगा कि हमारा ग्राफ जो है, हमारा जो हमने बार डिजाइन किया है वो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। सो ये एक सिंपल बार है। अगर आप इसमें कुछ आउटलाइंस वगैरह, बाउंड्रीज वगैरह, बॉर्डर्स वगैरह देना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर सकते हैं। मैं सिर्फ मेथड की बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इसमें ट्रांजिशन और डाल देते हैं, उसका नाम है वैलेंटाइन ब्लाइंड्स। वैलेंटाइन ब्लाइंड्स को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और इफेक्ट कंट्रोल में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमको दिख रहा है वैलेंटाइन ब्लाइंड्स। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको जो ट्रांजिशन कंपोजिशन है, कंप्लीशन है, इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको लेट्स मेक इट 30। तो देखिए आपका बार कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपका बार कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। सो आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से अगर आपको चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्शन जो है चेंज कर रहा हूँ। लाइक हम इसको यहाँ पे 40% कर देते हैं। सो देखिए ये जो लाइंस हमको दिख रही थी उनकी डायरेक्शन यहाँ पे अब चेंज हो गई है। तो अब ये बार हमारा कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये तो हमारा बार का पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम जो है अगर हमको बार के साथ में हमको लगाना है कि बार कितने परसेंट लोड हुआ है, सो वो भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने एसेंशियल ग्राफिक्स में। एसेंशियल ग्राफिक्स में जाने के बाद में जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है हम उसको टेक्स्ट टूल लेकर के यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। सो जैसे मैंने लिखा कि लाइक मैं अपने वीडियो पे यूज कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ वीडियो लोडिंग लोडिंग, थोड़ा स्पेस दे करके आपको जो भी यहाँ पे परसेंटेज लगानी है, क्योंकि हम यहाँ पे लेके आएंगे कि हमारा वीडियो जो है कितना लोड हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो है टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसको हम जो है अपना चेंज कर लेते हैं, हमको जो भी चाहिए, या हमको इससे पिक करना है तो हम इससे भी पिक कर सकते हैं यहाँ से ले करके। ये देखिए, तो मैं कुछ कुछ कोशिश करता हूँ। आप एग्जैक्ट वहाँ से लेंगे तो यहाँ से जो आपको ये इसका नंबर्स दिख रहे हैं आपको RGB के, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। सो देखिए ये मैंने ले लिया है। इसके बाद मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कर देता हूँ। सो इसके बाद में इसकी पोजिशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं और इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट है। सो यहाँ पे हम जो है इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। देखिए मैंने चेंज कर लिया है।
और थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट के बीच में गैप डाल देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको यहाँ पे काउंटडाउन लेके आना है कि काउंटडाउन कैसे चलेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले रखे हैं एक्सेल में, तो मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे जो है ले आते हैं अपने टाइम फ्रेम पे। सो टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे जो है हम टाइप करते हैं और यहाँ पे हम जो है उसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में मैं इसको दोबारा से एडिट में जा करके इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सो अब क्लिप को भी यहाँ लगा लेते हैं और चलते हैं इसके क्लिप के ऊपर, और मैं इसको जो है यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जहाँ से भी मुझे दिखाना है, लाइक कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे इसकी प्लेसिंग कर ली है। प्लेसिंग करने के बाद में आपको करना क्या है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है, एसेंशियल ग्राफिक्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में एक जो है न्यू लेयर पे जा करके रेक्टेंगल हम यहाँ पे एक लेयर इंसर्ट कर लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने नंबर्स के ऊपर, जहाँ तक हमको चाहिए वो, लाइक हमको यहाँ पे चाहिए। तो देखिए, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, और करना यहाँ पे ये है कि इसको सिलेक्ट करके नीचे आना है मास्क विद शेप में, इसको मास्क विद शेप कर देना है। ठीक है, ये ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं लाइक 18 19, तो उसमें ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका लेटेस्ट वर्जन हो। और दूसरा, ये जो ट्रांजिशन हमने यूज की है वैलेंटाइन ब्लाइंड्स, ये भी आपको पुराने प्रीमियर प्रो के वर्जन्स में नहीं दिखेगी। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे कर दिए। अब हमको करना क्या है कि अब हमको इसको जो है हमको अलाइन करना है कि 0 से लेकर के 30 तक हम कैसे उसकी पोजिशन चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने इस लेयर पे चलते हैं, वीडियो वाले पे, और यहाँ पे जहाँ पे हमने की फ्रेम ऐड किया है, ये देखिए, ये की फ्रेम हमने ऐड किया है। तो हम अपने टाइम बार को यहाँ पे ले आते हैं और उसके बाद में ऊपर वाली क्लिप को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ऊपर वाली सिलेक्ट हो गई है, और टेक्स्ट में जा करके यहाँ पे उसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे। सो देखिए, यहाँ पे एक पोजीशन पे मैंने की फ्रेम एंटर कर दिया है, एक न्यू की फ्रेम जनरेट कर दिया है। सो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसकी पोजीशन 0 रहेगी। तो उसके बाद में हम दोबारा से इस क्लिप पे चलते हैं और जहाँ तक हमने इसको यूज किया है सेकंड की फ्रेम को, यहाँ पे इसको कर्सर को हम ले आते हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाली अपनी क्लिप को, और टेक्स्ट में जा करके यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। ये देखिए, ये टेक्स्ट की पोजीशन थी। सो इसकी पोजीशन को हम चेंज कर देंगे जहाँ तक कि हमारा 100 नहीं आ जाता, ये आपको ध्यान रखना है। आप बार कितना भी लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। सो मैं यहाँ पे 100 पर लाके इसको छोड़ देता हूँ। सो देखिए, ये पोजीशन मैंने सेट कर दी है और ये मैंने जो है बार भी सेट कर दिया है और ये भी सेट कर दिया है। सो अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है, हमारा बार कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 सेकंड का है, इसलिए बहुत फास्टली बढ़ रहा है। अगर आपका टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा तो वो स्लोली स्लोली बढ़ेगा। देखिए, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ।